हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रामा ट्यूबर। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रेमेडी के बारे में जिससे आपकी स्किन सिर्फ एक हफ्ते में स्पॉटलेस और क्लियर दिखना शुरू हो जाएगी। और गाइस, ये रेमेडी जो मैं आज बता रही हूँ आपको, वो रेमेडी सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, उसको बॉयज भी कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। आप कैसे हो? मेरी मम्मा का वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कीजिए। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए गाइस दूध थोड़ा सा, और ये ध्यान रखना दूध आपका कोसा होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी और बेसन, बस गाइस ये हमें तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए अपनी स्किन को स्पॉटलेस एंड क्लियर दिखाने के लिए। अब मैं इस बेसन में मिलाऊंगी ये थोड़ा सा दूध, ज्यादा नहीं मिलाना, आपको ये देखना है कि आपके मिक्सचर में कितना दूध आपको चाहिए, ना ज्यादा थिक हो और ना ही ज्यादा थिन हो। थोड़ी सी हल्दी दो चुटकी, गाइज इस रेमेडी के बारे में आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि इस रेमेडी को आपने करना सिर्फ रात को है, सोने से पहले। सोने से पहले आप आधा घंटा पहले कर सकते हैं, आप फेस वॉश या सोप अपने फेस पे ना यूज करें इसको लगाने के बाद। अब मैं इस रेमेडी को फेस पे लगाने लगी हूँ गाइज, आप अपने हैंड्स के साथ लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको इसके लिए ब्रश चाहिए या कुछ। लगाने के 10 मिनट बाद अगर आपको लगे कि ये थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया है तो आप इसको अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के उसको अच्छी तरह स्क्रब करके वॉश कर लें नॉर्मल वाटर से। और नॉर्मल वाटर से वॉश करना, आपको कोई फेस वॉश कोई सोप नहीं यूज़ करना, सिर्फ आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करके अपना फेस, उसके बाद आप टॉवल से अच्छी तरह क्लीन करके सो जाएं। आप सुबह देखेंगे कि आपकी स्किन आपको कितनी क्लियर दिख रही है। अगर आप ये रेमेडी एक हफ्ता भी ट्राई करेंगे ना गाइज, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में कितना आपको फ़र्क दिख रहा है इससे। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा मिक्सर थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया है। अब मैं मिक्सर को अपने हल्के हाथों के साथ स्क्रब करूंगी पूरे फेस पे। गाइज ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे आपके ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं इन एरियाज पे। अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह स्क्रब करोगे ये मिक्सर लगाने के बाद, तो आपके जो पोर्स में डर्ट है जो भी है वो सारा बाहर निकल जाएगा। और इससे ये होगा कि आपके जो जैसे आपके पोर्स के अंदर गंदगी भर जाती है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, फिर आपको पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, वो नहीं होंगे इससे। अगर पिंपल्स नहीं होंगे तो स्पॉट्स नहीं होंगे, स्पॉट्स नहीं होंगे तो स्पॉट्स के दाग भी नहीं होंगे चेहरे पे, और आपकी स्किन क्लियर दिखेगी, बिल्कुल स्पॉटलेस एंड क्लियर दिखेगी। सो अच्छी तरह आपने स्क्रब कर लेना। अब मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ। गाइज मैंने फेस वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कैसी लग रही है। गाइज अगर आप पूरा हफ्ता ट्राई करोगे तो आप अपनी स्किन में डिफरेंसेस दिखने शुरू हो जाएंगे आपको अपनी स्किन में। एक बार मेरे कहने पे जरूर 1 वीक के लिए ट्राई करना इस रेमेडी को, और आप देखोगे कि आपकी स्किन कितनी क्लियर और स्पॉटलेस दिख रही है, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। सो गाइज आज के लिए इतना ही, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रामा ट्यूबर। बाय।